वालेकुम तो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद शुय मिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में दो सरप्राइज हैं आपके लिए पहला सरप्राइज ये सिर्फ खोखर जेर डैम नहीं आपको घुमाएंगे बल्कि हम खुद सरप्राइज हो गए थे हम खोखर जेर डैम घूमने के लिए आए तो हमें जो सरप्राइज मिला वो ये था कि जब हम डैम का स्पिल वे रहे थे कि यार ये किस साइड पर क्योंकि यहाँ पर आज कोई बंदा हमें नज़र नहीं आया तो हम खोखर देर डैम का स्पिलवे ढूंढ रहे थे तो हम एक ट्रैक पे चढ़ते हैं जिस जिसमें हमें लगता है कि यार शायद इस साइड पे ही है क्योंकि उसकी बनावट कुछ इस लिहाज से थी तो आपको पूरी वीडियो के अंदर नजर आएगा तो उस ट्रैक पे निकलते हैं लेकिन आगे जाके हमें फील होता है कि नहीं और ये तो बहुत ज्यादा आगे जैसे डैम फैला होता है तो हम वापस ट्रैक मेन पे आते हैं जो मेन बांध बांधा हुआ है उस जगह पे तो हमें एक और कच्चा रास्ता मिलता है तो हम उस ट्रैक पे चलते हैं आगे जाके वो एक और डैम निकलता है बिल्कुल साथ वो जो ट्रैक हमने आपको दिखाना है ना उसी ट्रैक को आगे इन्होंने पहाड़ी काट के तो एक और डैम जैसे सुराला डैम कहते हैं वो इसके साथ अटैच हुआ हुआ है तो यानी कि ये दो डैम अटैच डैम है मेरे ख्याल में ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है पूरे पाकिस्तान में भी दो अटैच डैम हो तो ये दो डैम जो है ना वो आपस में अटैच डैम और फिर उसके बाद क्या है कि आ, वो जो आ, हम उस डैम पर आते हैं तो आगे जाके हमें स्पिलवे मिलता है स्पिल वे भी आपको हर चीज़ मुकम्मल मालूम इस वीडियो में मिलेगी बजाय ये कि आप इस डैम पे घूमने के लिए आएँ तो सिर्फ़ खोखरजेर डैम घूम के चले जाएँ उसमें नहीं फ़ायदा बिल्कुल साथ ही ज्वाइंट डैम है तो आपका पहला सरप्राइज़ तो ये है दूसरा सरप्राइज़ ये है कि हाँ जहाँ पे अगर आप जगवाल से खोखर खोखरजेर वाली साइड पे थ्रू गूगल मैप्स आते हैं तो आपको एक रास्ता दिखाया जाता है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पे खोखर खोखरजेर डैम और सुराला डैम दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं वही एक बोर्ड है ठीक है आप उसे टर्न लेते हैं आगे जाके आपको वो भी आपने वीडियो में देखना है कि क्या हुआ हमारे साथ और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था आ, मतलब ये है कि वो बोर्ड जो लगा हुआ है ना वहाँ से जो टर्न लेने के बाद क्या होता है आगे जाके वो आपको बताएंगे ये दूसरा सरप्राइज़ है वो भी वो भी हमारे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि मेन डैम का रास्ता तो वही है लेकिन वहाँ से आप डैम पे कभी भी नहीं आ सकते उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा आप वीडियो में खुद देखिएगा तो दोस्तों ये सारी मालूम से डैम और सुराला डैम की आपको मिलेंगी इस पूरी वीडियो में तो सिर्फ़ आपसे एक रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करें कमेंट्स में जो भी सजेशन हो और जो भी बात पूछना चाहे वो भी बताएं और मेरे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं डैम जी तो अभी हम जिस रोड पर हैं ये खोखर रोड है ये, ये बल्ले कर्याल से गुजरता है और सीधा खोखर जाता है अगर आप चकवाल आएँ चकवाल से फिर आपने जेलम रोड पे आना है और जेलम रोड से एक चौह सैदन शाह रोड गुजरता है वहाँ पे ए, उस रोड पे आपने आगे मतलब टर्न लेना और और पाँच तकरीबन पाँच किलोमीटर होगा पाँच किलोमीटर से फिर आपने राइट टर्न लेना है और फिर ये इस खोखर रोड पे आपने आ जाना है इस वक्त जो हम गुज़र रहे हैं ये भला करयाला विलेज जो के खोखर जेर से पहले आते हैं और भला करियाला विलेज मतलब काफ़ी गुंजान आबाद है अगर कुछ चीज़ आपको चाहिए हो आप अगर दूर से आते हैं और कुछ चीज़ मिसिंग हो कराना वगैरह जो जनरल स्टोर हैं वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं शहर से अगर आप नहीं लेते तो वैसे तो आपने अगर किसी और सिटी से आना है तो आप शहर में आएंगे चकवाल शहर में तो वहाँ से फिर आप चीज़ें खरीद सकते हैं और आपको पता ही है कि चकवाल शहर की पलवान रोड़ी भी काफ़ी मशहूर और मरूफ है तो अगर आप ड्राई थिंग्स लेना चाहते हैं तो रेवड़ी भी आपको ओरिजिनल छपड़ छप्पड़ बाज़ार के करीब से मिल जाएगी अच्छा तो ये फिर जब आप खोखर रोड पर जाते हैं तो रोड की कंडीशन सारी ज़बरदस्त है कोई मसला मसायल नहीं है लोग कोऑपरेटिव है आप अगर गूगल मैप्स के ज़रिए नहीं आ रहे आप लोगों से पूछे तो वो आपको बताते जाएंगे उसके अलावा यहाँ से जाते हुए ना हम खोखर जेर वाले बोर्ड को देख के एक कच्चे ट्रैक पे उतरे था वो डैम का ही ट्रैक लेकिन मसला क्या था ये अभी आप मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स एक आपको ना अपडेट देनी थी कि ये जो बोर्ड है ना यहाँ पे लिखा हुआ खोखर जेर डैम सुराला डैम डिस्टेंस तीन किलोमीटर तो इसमें यह था कि हमने यहाँ से ना टर्न ले लिया कि यह इसी साइड पर है ना रोड आ, डैम तो आगे जाके आप कंडीशन देखें कैसी है डैम का सारा रस्ता तो जबरदस्त है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि आगे आगे कीचड़ सा है पानी मेरा हुई लीकेज ऊपर से को पानी आ रहा था तो इस वजह से पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे रास्ते पे फैल गया तो शायद यहाँ से ही रास्ता जाता है लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रही कि वाकई ये इधर से जाना है या किधर से जाना है क्योंकि आगे पानी वो सड़क सामने नज़र आ तो रही है कि ऊपर जा रही है लेकिन सही तरह पता नहीं चल रहा कि ये किधर से जाना है तो नीचे पानी पानी, पानी हुआ पड़ा यहाँ से तो कोई गाड़ी क्या कोई बाइक भी और इंसान का गुजरना भी मुश्किल हुआ पड़ा है अभी वे अभी आप ये देख रहे हैं तो बाकी अभी दिखाते हैं आपको कि अगला क्या सीन होता है हमारे साथ हाँ जी ये कंडीशन आपने देखी ये रोड इस तरह का था ये रास्ता आपने नहीं मतलब लेना क्योंकि ये रास्ता सारा ख़राब है ए, फिर हमने इसी रोड पे कैरी किया क्योंकि जो पीछे से हम जिस रोड पे आ रहे थे क्योंकि वो रास्ता सारा ख़राब था हम वापस आए और फिर इसी रोड पे हमने कैरी किया क्योंकि ये रास्ता सारा ठीक है थोड़ा सा इसका यह है कि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है एक दो किलोमीटर का लेकिन गांव से गुजर कर जाना होता है तो यहाँ से ना खोखर देर जो है ना गांव स्टार्ट हो जाता है गांव स्टार्ट होने होते ही जो है ना थोड़ा से ही आगे जाना है तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं लोग आपको बताएँगे आपने यहाँ से एक राइट टर्न लेना है यानी अगर आप आते हैं तो चौहान सीमट है चौहान सीमट वाली शॉप से थोड़ा सा पहले गली है उसमें आपने ये इधर से टर्न लिया और फिर ये आगे आप जाते हैं तो ये गांव की सड़कें हैं सोलंग टाइप और इस तरह की तो फिर यहाँ से आपने इसी लोगों से पूछते पूछाते या अगर आ, मतलब गूगल मैप्स ऑन करते हैं तो उस पर आप जाते हैं तो आपको मिल ही जाता है ट्रैक ट्रैक थोड़े कच्चे हैं और इन आबादियों से गुजर कर आपको जाना पड़ता है लेकिन इसमें यह चीज़ है कि ये चकवाल के बेशतर गाँव जो है उसमें गलियाँ छोटी भी हैं तो ये गलियाँ ठीक हैं आप हर तरह की गाड़ी जो है ना वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं तो जैसे ही आप गाँव से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर एक और टर्न आपने राइट टर्न लेना है तो वो आप अभी मुलाहिजा फरमाएं कि कौन सा टर्न जब में? आप गाँव के अंदर से आते हैं तो पूछ भी सकते हैं लोगों से गूगल मैप है मैं लोकेशन भी इसकी पुट करूंगा बल्कि खोखर से डैम के हवाले से आप गूगल मैप्स के ज़रिए भी आ सकते हैं जब आप गांव के अंदर से आते हैं तो गांव के अंदर से आने के बाद थोड़ा सा आगे निकलते जाएंगे तो एक नहर आती है ये वाली नहर तो यहाँ से आपने जो है ना वो टर्न लेना है इसे आपने दाई साइड पर टर्न लेना है तो फिर आप नहर के साथ साथ चलते जाएँगे तो आगे डैम की तरफ ये रास्ता जाता है तो आए आगे आपको रास्ता दिखाते हैं जब आप यहाँ से टर्न लेते हैं राइट साइड पे तो इस नहर के साथ साथ जाना होता है आपने तो ये सारा कच्चा रास्ता है बीच में एक थोड़ा सा बस है जिसमें कट आएगा एक पक्के रास्ते का ये सारा कच्चा रास्ता है साइडों पे फसलें वगैरह हैं और ये नहर चलती है ये नहर दरअसल उसी डैम से आ रही है जिस डैम पर हम जा रहे हैं तो उस डैम से ये नहर आ रही है बीच में ये नहर गायब हो जाएगी मतलब आप को ये लगेगा कि नहर नहर जो है वो किस साइड गई चलेगी लेकिन आपने घबराना नहीं है इसी कच्चे रस्ते को सीधा सीधा आपने कैरी इस पे कैरी ऑन रहना है और आप आगे जाते जाएंगे तो ये कीचड़ मीचड़ होगा बारिशों के सीज़न में तो सारी मतलब कीचड़ होगा तो आप जाते जाएं इसी ट्रैक पे सीधे ही रखना है आपने किसी को किसी साइड पे टर्न नहीं लेना और फिर एक छोटा सा कट आएगा जो कि एक पक्का रास्ता होगा ठीक है जी आपने उस पक्के रास्ते पे आप अगर आ जाते हैं किसी जगह आप कोई टर्न नहीं लेते तो इट्स मीन के ये आप सही ट्रैक पे हैं तो वहाँ यहाँ से अब जो डैम का फासला है वो बिल्कुल अब थोड़ा ही रह गया लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो असल रास्ता है वो उससे आप आ नहीं सकते डैम पे उसमें जो जगह है वो कीचड़ वगैरह जो है वो कोई भी गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती और रिस्क भी लेना नहीं चाहिए किसी भी गाड़ी को वहाँ से गुजारने के लिए क्योंकि वो दलदल टाइप बनी हुई है तो जब नहर दोबारा शुरू होती है साथ साथ तो ये फिर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है और इसी कच्चे रास्ते से आप कैरी ऑन करते हैं तो डैम पे पहुंच जाते हैं इसमें अब ये फ़सलें भी हैं साथ में और डैम का पानी इन्हीं फसलों को डैम का पानी लगता है और आप जब डैम पे आते हैं तो एक टर्न सा है सामने आपको लगेगा सामने डैम है वो गेस्ट हाउस टाइप है लेकिन आप एक टर्न आएगा हम भी रुक गए थे यहाँ पे कि पता नहीं उस साइड पे जाना है लेकिन आप टायरों के निशान नज़र आए हैं तो ज़्यादा गाड़ियाँ इस साइड पर जा, जाती हैं तो फिर हम भी इस साइड तो अभी हम पहुँच चुके हैं डैम पर तो जब आप खोखर देर के डैम के हदूद में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे एक जो है ना वो रेस्ट हाउस टाइप बना हुआ है ये इसके मेन एंट्रेंस है और इधर ये ताला लगा हुआ है जी एक एक ये कमरे से बने हुए हैं ताले लगे हुए हैं जी फिलहाल तो यहाँ पे हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा और ये सारा मतलब ये इसका गार्डन एरिया है और तीतरों की आवाज़ें आपको ना पूरे हमारे टूर में मिलेंगी उसकी वजह ये है कि इतहा के, के यहाँ पे तीतर बहुत ज़्यादा मकदार में है ये जो है ये सुराला डैम और खोखरजैर डैम जो है ना उन दोनों का ये आपको मिलेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी वो इसी में है ठीक है जी और ये आप इसका यहाँ पे आते हैं तो ये गेस्ट हाउस आपको मिलेगा और नज़ारे की बात की जाए तो यहाँ पे जो नज़ारा है उसका अपना ही एक मकाम है ये घना सा है नीचे और सारा ज़्यादातर जो है वो फुलाई का दरख्त है ये सीढ़ियाँ या नीचे लेकिन सीढ़ियाँ अब नाम की रह गई हैं और ये सारे घने जंगल है नीचे बहुत शानदार एरिया है सकून वाला ठंडी इच्छाओं वाला एरिया है ये ए, फैमिली पिकनिक के लिए बड़ा ज़बरदस्त फैमिली यहाँ पे आके टूरिज्म टूरिज़म के लिए आए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा तो अभी आगे फिर दिखाते हैं आपको डैम आज सारा जो जितना भी डैम का सारे हर चीज़ आपको दिखाते हैं अभी तो चलें फिर चलते हैं ये आपने गेस्ट हाउस देखा रेस्ट हाउस देखा तो अभी ये जो है हम इस ट्रैक पे हैं जो कि डैम का बांध है और बड़ा शानदार और बड़ा लंबा ट्रैक है ये काफ़ी डैम बड़ा होने की वजह से इसका जो बांध है वो भी काफ़ी बड़ा है तो ये आप सारा इसे मतलब इस यहाँ पे अगर आते हैं तो सारा घूमें फिरें और देखें पूरे डैम को एक्सप्लोर करें ना कि बस यहाँ बांध पे आए और बस वापस चले जाएँ या अगर आप जाते हैं तो आपको भी एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ ये डैम के बिल्कुल साथ साथ ट्रैकिंग करने पे ही आपको नज़र आएगा ज़रा देखिएगा तो ये आप देख रहे हैं ना ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा पहाड़ी की चोटी पे जो डैम के बिल्कुल साथ है वहाँ पे आप खड़े होकर ले सकते हैं अभी यहाँ से हम आगे ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप भी हमारे साथ चलें आपको भी दिखाते हैं जी तो फ्रेंड्स मुश्किल है यहाँ से जाना आप ये देखें ना जगह नीचे पानी है ऊपर पहाड़ी है ऊपर वाली साइड पर कोई रास्ता नहीं बना हुआ लेकिन आपकी खातिर अभी ये सारा जोखम जो है ना वो उठाया जा रहा है तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे अभी रास्ता नहीं मिल रहा अभी ये पहाड़ी और जंगल घने घास जो है गर्मी का मौसम है इस इलाके में सांप भी पाए जाते हैं लेकिन अब उस मकदार में नहीं क्योंकि जहाँ पे इंसान ज़्यादा आने जाने शुरू हो जाए तो उस मकदार में सप तो नहीं आपको मिलेंगे लेकिन एहतियात करनी पड़ती है ये सारा

तो इस मसवाक को आ, अगर आपने मतलब इस इलाके में आते हैं तो ये फ्लाई कदरखता आप देख रहे हैं ये ये इस तरह का होता है तो आप लाजमी टेस्ट करें इस मसवाक को ये मसवाक जो है काफ़ी अपने अंदर ना एक इसकी तसर भी है और इसका ज़ायका भी बड़ा शानदार है तो हम भी ये मसवाक जो है ना अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये जिसका स्पेल वे है स्पिलवे वे जो है वो बड़ा ही शानदार बनाया गया है इस डैम का यहाँ पे अब आपको एक ना मज़े की बात ये बतानी है कि ये दो डैम है यहाँ पे ना एक सुराला डैम और एक होकरजे डैम ये आपस में जॉइंट डैम है तो इसमें ये है ना कि पहले तो हमें भी नहीं पता था लेकिन इसका पीछे से हम वो जो आपको पहले रास्ता दिखाया स्पिलवे की तरफ वाला वो और साइड थी तो वो आगे एक और डैम साथ में जॉइंट था तो उन्होंने पहाड़ी कटिंग करके ना वो सारा डैम बनाया हुआ है तो वो सुराला डैम था ये है और ये इसका स्पिल है तो ये ये डैम थोड़ा छोटा है वो ज़रा खोखर दे डैम ज़रा बड़ा है तो इसमें ये इसका स्पिल है अच्छा जी पहले अभी थोड़ी देर पहले जो हाँ मैंने आपसे कहा था कि जनाब मैं उधर से आपको स्पिल पे दिखाता हूँ लेकिन वो बाय मिस्टेक हम उसके साथ साथ चल रहे थे वो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ना जी ये वो रास्ता है जहाँ पे अभी आज थोड़ी देर पहले हम चल रहे थे लेकिन वो उसमें ये इशू हो गया कि हमें नहीं पता था कि जॉइंट डैम है तो अभी ये सरप्राइजिंग भी हो गया और ये डैम जो है ना आगे सुराला डैम जो है इसके साथ जॉइंट किया हुआ उन्होंने और स्पिलवे जो है वो ये इधर है और बड़ा ही शानदार स्पिलवे है और यानी ये दो डैम जो है ना ये जॉइंट है और बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है ये वाहद चकवाल में जो डैम है उनमें सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ा भी है और खोखरजेर और साथ में दूसरा डैम भी जॉइंट है और बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है जो अभी आप देख रहे हैं तो अगर कोई अगर नेक्स्ट अपडेट होती है तो आपसे बात करते हैं फिर वैसे इन नज़ारों को देखने के लिए तो लाजमी आपको टाइम निकालना चाहिए और दूसरा यह है कि आप ये सामने देखे खोखर जेर गाँव भी आपको नज़र आ रहा है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक आती रहेंगी कोस्तान नमक में जितनी भी चीज़ें होंगी इन दिखाएंगे आपको सारी आबशारें आप सारे जंगल जड़ी बूटियाँ और इस जंगल में और क्या क्या खासियत है और ये फ्लाई का दरख्त इसकी मसवाक की क्या खासियत है आ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल बेलाइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफि